नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड, इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत यूनिट संख्या प्रथम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने रिजर्व बैंक की स्थापना के क्या क्या कारण रहे, क्या क्या उद्देश्य रहे और रिजर्व बैंक की संगठन और प्रबंध का अध्ययन किया था। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, फंक्शन ऑफ RBI। जैसा कि मैंने आपको पूर्व क्लास में बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे देश में साख एवं उस पर नियमन नियंत्रण करता है कॉमर्शियल बैंकों पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनेक महत्वपूर्ण कारण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछते भी हैं इसको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य जो कार्य है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक भी है, इसे हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, जो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनेक प्रकार के कार्य करता है, जिसमें पहला है नोटों का निर्गमन। इश्यू ऑफ करेंसी, नोटों का निर्गमन, या इश्यू ऑफ नोट्स भी लिख सकते हैं, या करेंसी भी लिख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन से संबंधित भी एक अधिनियम है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सिद्धांत पर न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन करता है, जिसमें 200 करोड़ रुपये की मुद्रा पर 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूति और 115 करोड़ रुपये का इसमें मुख्यतया सोना रखा जाता है। क्योंकि 200 करोड़ की अगर मुद्रा वो जारी करेगा तो 85 करोड़, यहाँ पर 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ और 115 करोड़ रुपये का सोना रखा जाता है। यह किसके तहत? न्यूनतम या बैंकिंग सिद्धांत की न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यतया नोटों का निर्गमन से संबंधी कार्य करता है, जिसमें 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये का नोट फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। नोटों के निर्गमन का मुख्यतया हम बात करें, जिसमें 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 तक के नोट का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जहां पर नोटों की छपाई का कार्य भी यहां पर 3-4 जगह है, जो कि पहला नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, सेलबोनी पश्चिमी बंगाल में। तो 4 जगह है नोटों के निर्गमन से संबंधी या नोटों की छपाई से संबंधी कार्य होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया पहला देवास, जो कि देवास मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, मैसूर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, सेलबोनी
सॉरी प्रथम नोटों का निर्गमन नासिक में नोटों का निर्गमन होता है। नासिक महाराष्ट्र में आ गया, यहाँ पर नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, शेलबोनी पश्चिम बंगाल। ये नोटों के निर्गमन से संबंधी कार्य की मेन ये वो है प्रिंटिंग मशीन है जहाँ पर नोट निर्गमन या नोटों की छपाई होती है। इसी प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट निर्गमन से संबंधी कार्य करता है, जैसा मैंने आपको रूल्स रेगुलेशन के तहत बताया किस प्रकार से बैंक नोटों का निर्गमन भी किया जाता है। दूसरा रिजर्व बैंक का कार्य है सरकार का बैंकर। ये सरकार का बैंकर भी है, इसे अपन बैंकर एजेंट ऑफ एडवाइजर भी कह सकते हैं, बैंकर एडवाइजर या एजेंट के रूप में भी है, क्योंकि सरकार का बैंकर या अभिकर्ता व सलाहकार भी है। सरकार का बैंकर है क्योंकि केंद्रीय बैंक के इसमें केंद्रीय बैंक का इसमें दर्जा दिया गया है, तो इसलिए सरकार का बैंकर के रूप में भूमिका का निर्वहन करती हैं, जो कि आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन के तहत ये कार्य ये आरबीआई इस पर केंद्रीय या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाता है। अगला बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता भी है। बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता, बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। बैंकर एंड बैंक लीडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी है, जो बैंकों का बैंक है क्योंकि सभी बैंकों पे नियमन नियंत्रण ये करता है, तो इसलिए बैंकों का बैंक भी या अंतिम ऋणदाता के रूप में भी इसको कहते हैं, क्योंकि 3% नकद कोष रखने पड़ते हैं, तो ये भी एक इसके कार्यों में सम्मिलित है। चौथा है क्षमा शोधन कार्य। क्लियरिंग हाउस से संबंधित कार्य, क्योंकि क्षमा शोधन कार्य पूरे भारत देश में 14 ऐसे केंद्र हैं जो क्षमा शोधन गृहों की स्थापना है, जिसमें मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, कानपुर और बेंगलोर, नागपुर, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, त्रिपुरम, जयपुर, गुवाहाटी आदि ऐसे हैं जिसमें 14 क्षमा शोधन पूरे देश में 14 ऐसे केंद्र बने हैं, 14 जिसमें क्लियरिंग हाउस बने हुए हैं। आगे हम बात करें विदेशी विनिमय नियंत्रण का भी कार्य करता है। विदेशी विनिमय नियंत्रण से यहाँ पर तात्पर्य है, क्योंकि विदेशी विनिमय नियंत्रण एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं या उसको एक निश्चित विनिमय के रूप में इसमें क्रियान्वित किया जाता है, तो विदेशी विनिमय नियंत्रण से भी ये महत्वपूर्ण कार्यों में है। अगला बैंकिंग प्रणाली का नियमन। बैंकिंग प्रणाली का नियमन संबंधी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य करता है। किस प्रकार से बैंकिंग प्रणाली का नियमन नियंत्रण करता है, जिसमें लाइसेंस प्रबंध शाखा सम्मिलित हैं, किस प्रकार लाइसेंस देना है, लाइसेंस शाखा का विस्तार करना, ब्रांच खोलना है, उसका किस प्रकार से प्रबंध करना है, तो ये इसमें सम्मिलित है। और भी है उसका इंस्पेक्शन निरीक्षण करना, निरीक्षण संबंधी भी कार्य इसमें सम्मिलित हैं, किस प्रकार निरीक्षण करना है, किस प्रकार उसको मर्ज करना है, उसको एकीकरण करना है, विलियन भी कह सकते हैं इसको, विलियन एकीकरण करना, किस प्रकार से मर्ज करना। सातवें पॉइंट की हम बात करें रिजर्व बैंक शाख नियंत्रण का कार्य भी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शाख नियंत्रण की विभिन्न विधियां गुणात्मक मात्रात्मक विधियों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य करता है। सातवां रिजर्व बैंक विभिन्न अन्य प्रकार के कार्य भी करते हैं। अन्य कार्यों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसमें कृषि शाख है, औद्योगिक वित्त की सुविधाएं हैं, अन्य कार्यों में मैंने जैसे आपको बताया कृषि कार्यों में किस प्रकार वित्त की व्यवस्था करना है, कृषि शाख
उपलब्ध कराना, कृषि कार्यों में किस चीज़ का, कृषि सार, एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाना, ये रिजर्व बैंक का कार्य है। औद्योगिक वित्त, उद्योगों को वित्त उपलब्ध करवाना, औद्योगिक वित्त भी रिजर्व बैंक के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। और भी हैं जिसमें आर्थिक समंकों का एकीकरण एवं प्रकाशन करना, जो आंकड़े हैं आर्थिक समंक का प्रकाशन करना समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ये भी हैं। एक बैंकिंग शिक्षा और उसका प्रशिक्षण, बैंकिंग शिक्षा प्रशिक्षण, बैंकिंग एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से की जाए, ये कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और भी विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यतया करता है, जिसमें मुद्रा स्थानांतरण का कार्य, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा को किस प्रकार से भेजना है, तो वो कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मुद्रा परिवर्तन का कार्य, मुद्रा परिवर्तन, दूसरे देशों की मुद्रा को कन्वर्ट करके डॉलर को रुपीस में और विभिन्न मुद्राओं को किस प्रकार से परिवर्तन करने का कार्य भी ये करता है। निक्षेप स्वीकार करना, डिपॉजिट स्वीकार करना है कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से, निक्षेप स्वीकार करने से संबंधी भी कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और भी विभिन्न कार्य है, बहुमूल्य धातुओं का विक्रय, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना और विकास वित्त की पूर्ति करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों में सम्मिलित है। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से कार्य नहीं करता है, तो वो अपने प्रतिबंधित कार्यों की श्रेणी में आएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिबंधित कार्य कौन कौन से हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के प्रतिबंधित या वर्जित कार्य, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमानुसार ये कार्य नहीं कर सकता, जिसमें प्रथम है व्यापार पर रोक, धारा सेक्शन 19 में व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना व्यापार नहीं कर सकता, व्यापार पर रोक, बिजनेस नहीं कर सकता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, अंशों के क्रय व उनकी जमानत पर ऋण पर रोक, अंशों के क्रय क्रय एवं उसके जमानत पर रोक संबंधी कार्य, किस प्रकार से उनको यह है। अगला है जमाओं पर ब्याज देने पर प्रतिबंध, जमाओं पर ब्याज देने पर प्रतिबंध, जमाओं पर ब्याज देने से प्रतिबंध के कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो कि ब्याज जमाओं पर नहीं। एक सावधि बिलों पर प्रतिबंध, सावधि बिल पर प्रतिबंध का कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और भी प्रतिभूतियों एवं रक्षित ऋणों पर प्रतिबंध, अचल संपत्तियों के क्रय पर प्रतिबंध, अचल संपत्तियां नहीं खरीद सकता। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। आगे हम इन्हीं रिजर्व बैंक के कार्यों की हम बात करें, तो मुख्यतया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कार्य नहीं कर सकता सेक्शन धारा 19 के तहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यतया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक भी है, जो कि बहुत ही पूरे देश में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप से और भी विभिन्न प्रकार की कार्य करता है, जो कॉमर्शियल बैंकों की देखरेख और उनके नियमानुसार विभिन्न कार्य समावेश हैं, जैसा कि मैंने आपको बिंदुवार रिजर्व बैंक के कार्यों का अध्ययन करवाया। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यतया विभिन्न तरीके से भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। अगले वीडियो में हम, अगले अध्याय में
अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण किस प्रकार से करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साख नियंत्रण की विधियाँ कौन कौन सी हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। वो प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चैप्टर या साख नियंत्रण की विधियाँ से संबंधित एक अलग से भी चैप्टर है, वो भी इसी में ही कवर हो जाएगा आपके सिलेबस में। तो वो भी आप अच्छे से उसको समझना, देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण किस प्रकार से करता है, कौन कौन सी विधियाँ हैं जो साख नियंत्रण के कार्य में शामिल थे या साख नियंत्रण की कौन कौन सी मेथड्स है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।